बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शोकत जवेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं वो डीसी वोल्ट मीटर है। इसको बैटरी कैपेसिटी मीटर भी बोलते हैं, डीसी वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, बैटरी वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। एक्चुअली ये इस्तेमाल किस लिए होता है कि हम लोग इस मीटर की मदद से अपनी बैटरी की देख सकते हैं कि बैटरी के अंदर कितना करंट मौजूद है। अक्सर हमारे घर में यूपीएस की बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर्स की बैटरी होती है, या वैसे भी बैटरी होती है, किसी बैटरी के ऊपर लगाकर हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ये चार्ज हो चुकी है, ये कितनी इसके अंदर पावर मौजूद है। वैसे यूपीएस के ऊपर भी और इन्वर्टर के ऊपर भी मीटर बता रहा होता है, बट मैं ये एक्सटर्नल मंगवाए हैं, आपको रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के यूपीएस के ऊपर जो उसका बैटरी कैपेसिटी मीटर होता है वो ख़राब हो चुका होता है, नज़र नहीं आता, या वैसे ही अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा कर देख सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस सिर्फ 225 रुपये है। मैंने इसको दराज से ऑनलाइन परचेज़ किया, तो ये मैं दो मीटर मंगवाए हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास दो बैटरीज लगी हुई हैं। एक बैटरी मेरे यूपीएस सिस्टम के साथ है और एक बैटरी मेरे सोलर सिस्टम के साथ है, तो दोनों के ऊपर मैं लगाऊंगा। और प्राइस की बात मैं आपको बता चुका हूँ, दराज से इसको परचेज़ किया, वैसे मार्केट के अंदर भी आपको मिल सकता है लेकिन मार्केट में इतना आम अवेलेबल नहीं है, आपको दराज से इजी मिल जाएगा। इस जहाँ से मैंने परचेज़ किया उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो आपको आसानी हो। ये वैसे मेरा अपना स्टोर नहीं है, मैंने किसी से ये परचेज़ किया है। और उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसको लगाने का तरीका देखते हैं, इसको कैसे लगाना है, फिर मैं आपको लाइव इसके रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर करूंगा कि इसके क्या रिजल्ट हैं और कैसे हम जांच पाएंगे कि बैटरी की कितनी पावर मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं। आज ही मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है, मैंने इसको रमज़ान में ऑर्डर किया था, तो बीच दरमियान ईद आ गई, तो ईद की हॉलीडेज़ की वजह से मुझे रिसीव नहीं हो सका, तो आज आई थिंक फर्स्ट वर्किंग डे ही था इनका, तो ये रिसीव हुआ, तो इसका मैंने इसको कट ऑफ किया। तो अभी इसके अंदर इसको खोलते हैं, इसकी पैकिंग है, तो यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये ओपन हो चुके हैं जी, ये हमारे सामने आ चुके हैं, ये रेड कलर में है। इसके अंदर डिजिट्स के अंदर ये वाला आता है कि कितनी पावर है। इसके पीछे दो वायर हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव वायर है, तो इसको हम वायर की मदद से अटैच करेंगे अपनी बैटरी के साथ, तो फिर हम इसके रिज़ल्ट देखें। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बल्कि अपनी बैटरीज के साथ लगा कर इसका चेक करते हैं, क्योंकि आज इस सारा दिन में जो यूपीएस वाली बैटरी थी वो भी चार्ज हुई है, सोलर वाली बैटरी भी फुल चार्ज हुई है, तो दोनों को देख भी लेते हैं। अभी जो सोलर वाली बैटरी है वो तकरीबन दो घंटे हो गए हैं, दो घंटे से घर का लोड चल रहा है उसके ऊपर, तो दोनों को ज़रा आइडिया हो जाएगा हमें। तो यहाँ से आप कोई भी वायर अटैच करके, ये वायर छोटी जैसे लगी हुई है, कोई भी वायर अटैच करके आप इसको वायर को बड़ा करके फिर बैटरी साथ अटैच कर सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद भी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। तो ये है मेरा सोलर सिस्टम, जैसे कि आप जो वीडियोस मेरी पहले देखते हैं उनको आइडिया होगा। इसके साथ एक ये बैटरी लगी हुई है एजीएस की 210 एच, ये सोलर सिस्टम के साथ अटैच है, और साथ ये नीचे साकल की ट्यूबुलर बैटरी लगी हुई है, ये अटैच है इसके यूपीएस के साथ। तो मैं डे टाइम थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, मीटर भी हम लगा लेते हैं, मीटर ये वायर चीज़ें मिले हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस बैटरी को चार्ज कैसे करता हूँ। डे टाइम जब सोलर चल रहा होता है ये बैटरी चार्ज हो रही होती है, सुबह 10-11 बजे तक ये बैटरी चार्ज हो जाती है, मेरे पास एक्स्ट्रा करंट होता है, तो मैं यहाँ से जस्ट एक बटन प्रेस करके इसके इसी करंट के साथ ये दूसरी बैटरी भी चार्ज कर लेता हूँ वाया यूपीएस, और उसके बाद फिर रात को इसको मैं 4-5 घंटे 6 घंटे इसका बैकअप है, इसको जब चाहूँ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अभी मैं इन दोनों बैटरी के साथ मीटर लगाऊंगा, ये मीटर मेरे पास आ चुके हैं, ये इसकी बैक वाइज हैं आपको पता चल गया होगा, और ये प्लस नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये वायर है। अभी मैं इसको सेट करता हूँ, फिर मैं आपको इन बैटरी के साथ लगा के टेस्ट करते हैं किसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो मैंने ये फाइनल किया, इस जगह पे लगाएंगे, ये डक पट्टी है इसके अंदर लगा देते हैं, इसको काट कर ये इसके अंदर अच्छे लगेंगे, दोनों लग भी इकट्ठे जाएंगे ऐसे, इसके अंदर बड़े फिट आ रहे हैं, और ये पहले इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इसके अंदर सेट करते हैं। तो पहले मैंने दो के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसको मैंने कट कर लिया, अब इसको यहाँ पे लगाते हैं इस जगह पे, और फिर इसको देखते हैं। तभी हम ड्रिल की मदद से इसमें सुराख करते हैं, अभी हम इनकी बैक साइड पे वायर लगाते हैं और वायर लगा कर इनकी फिटिंग करते हैं।
एक मीटर जो है वो मैंने लगा दिया, अभी उसको ऑन नहीं किया, जस्ट उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑन करूंगा तो अभी दूसरे मीटर की वायर में बना रहा हूँ कि ऊपर वाली बैटरी उसके साथ अटैच करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने ख्याल रखना है नेगेटिव जो है नेगेटिव के साथ लगानी है और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, क्योंकि मेरे पास वायर जो है वाइट कलर की थी तो मैंने उसके साथ जो है ब्लैक टेप उसी लगा दी है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करनी है। ये ऊपर वाली बैटरी के लिए जो है वो पेयर मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी आप तो मैं दिखाता हूँ इसको चला कर, जिसकी नेगेटिव वायर लग गई और फिर इसके साथ में इसकी ये वायर लगाता हूँ, इसकी मैं पॉजिटिव वायर लगाता हूँ तो यहाँ ये पॉजिटिव वायर से अटैच कर दी और इसके ऊपर मैं टेप कर देता हूँ, फिर इसकी फिटिंग हम लोग करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पेयर रेडी हो चुका है, अभी इसको मैं यहाँ पे फिटिंग करते हैं फिर इसको लगाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसकी वायर की बात करूँ तो फिर इसकी वायर को मैं ऐसे ही अटैच करता हूँ ताकि ये प्रॉपर जो है वो लग सके। ये फिट हो गया यूपीएस वाला, अब उसमें ये यहाँ पे लग चुके हैं। अब मैं ये वायर ऊपर लगाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखाता हूँ। तो आप देखते हैं एक जो है वो ऑन हो चुका है, ये यूपीएस वाला ऑन हुआ है। अभी इसकी वायर मैं दूसरी बैटरी से अटैच करता हूँ, फिर मैं आपको दोनों का रिजल्ट चेक करवाता हूँ। तो फाइनली ऊपर वाली बैटरी का कनेक्ट हो चुका है, वो चल चुका है। इस बैटरी का टर्मिनल भी मैं आपके सामने लगाता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट। दूसरा भी ऑन हो चुका है, इसको करते हैं टाइट। अब मैं कैमरा सामने ले रहा हूँ फिर मैं आपको दोनों के रिजल्ट चेक करवाता हूँ। तो ये है फाइनली रिजल्ट्स, ये है सोलर का और ये है साका बैटरी जो यूपीएस की बैटरी है। यूपीएस बैटरी के ऊपर इस टाइम लोड नहीं है और सोलर वाली बैटरी के लोड है। यहाँ पर सोलर वाली बैटरी 12.3 वोल्ट शो करवा रही है, ऊपर हम इन्वर्टर पे देखते हैं तो वहाँ भी तकरीबन 12.3 ही आ रहा है, मतलब कि ये दोनों की पावर आपको जस्ट शो करवा रहा है। और जो यूपीएस की बैटरी है वो 12.7 शो करवा रही है। तो अभी मैं पूरा सिस्टम जो है उसको यूपीएस पे ट्रांसफ़र करता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रिजल्ट्स हैं इनका क्या सीन है। और अभी मैं घर का सारा लोड जो है वो यूपीएस पे ऑन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि 12.2 तक भी आ रहा है इसका सोलर वाले का, 12.3, 12.2 आ रहा है, 12.7 आ रहा है यूपीएस की बैटरी का। तो यूपीएस का सिस्टम ऑन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस बटन से यूपीएस को ऑन करना है, तभी 12.7 शो करवा रहा है यूपीएस का। तभी मैं घर का सारा लोड जो है वो शिफ्ट करना है यूपीएस पे, तो जस्ट एक ये चेंज अगर मैंने घुमाना है तो देखें कुछ चीज़ बंद भी नहीं हुई और लाइव लोड यूपीएस पे चला गया। तो 12.5 हो चुके हैं, 12.4 अभी स्टेबल हो रहा है, तो ये तीन 12.2 हो चुका है। और अभी इसका लोड जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है बैटरी से, आप देख सकते हैं कि ये 0 वाट हो चुके हैं और यहाँ पर ये दिखा रहा है 12 वोल्ट पूरे एग्जैक्ट। तो जब लोड आएगा तो फिर वो एग्जैक्ट बताएगा क्या सीन चलता है। जैसे जैसे बैटरी कम होती जाएगी तो ये वोल्टेज डाउन होते जाएंगे, जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी 12.6, 12.7 पे बैटरी पूरी चार्ज होती है, 11.45 पे बैटरी जो है वो तकरीबन खाली हो चुकी होती है। तभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने लोड डाला तो पूरा 12 वोल्ट करंट जो है वो इस ये जो यूपीएस है वो इसको बैटरी दे रही है। तो दूसरी भी इतनी होगी, अभी दोबारा मैं इसको वापस सोलर पे आता हूँ तो इसका रिजल्ट देखते हैं। अभी देखें वो जैसे बैटरी फ्री हुई तो 12.6 पे चला गया और ये 12.3 पे चला गया, अब इसमें से करंट जाना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ भी 12.3 आ रहा है। और इसको मैं अगर बंद करता हूँ तो ये यूपीएस सिस्टम बंद हो चुका है और ये दोबारा अपना 12.7 पे आ चुका है, इसका मतलब कि ये बैटरी फुल चार्ज है, दूसरी बैटरी इस्तेमाल हो रही है। तो ये सेटअप है मेरा। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने सोलर पे चलाना है तो चेंज ओवर को मैंने सोलर पे करूँगा, अगर मैं वापस ये यूपीएस पे जाना चाहता हूँ इस चेंज ओवर को दूसरी साइड पर घुमाऊँगा, फिर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगी कि मैंने वापस चलाना है ये यूपीएस से चलाना है। यूपीएस की तरफ होगा तो इधर 2 नंबर और इधर 2 नंबर है तो यूपीएस से लोड चलेगा, अगर ये 1 नंबर पर है और वो 2 नंबर पर है तो समझो ये वापस लोड चलेगा। और यहाँ से यूपीएस की चार्जिंग होती है वो मैं आपको लगा देता हूँ। ये जो है ये स्विच ये यहाँ पे मैं लगाया होता है, ये यहाँ पे लगा कर मैं इसकी चार्जिंग कर लेता हूँ डे टाइम में। तो ये थी वीडियो, आपको ये रिव्यू कैसे लगा। अगर आप ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो आप ये दरअसल से इजीली अवेलेबल है, वहाँ से मंगवा सकते हैं। बाकी मैं इसका जो इसको यूज़ करूँगा 10 दिन के बाद दोबारा इसकी एक वीडियो छोटी सी बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके रिजल्ट क्या हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।